आपको अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको गाइड करना है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस और सब कैंपसेस के कुल के बच्चों ने एग्जाम कैसे देना। उनके लिए यूनिवर्सिटी ने सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो कैंपस के स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देंगे स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू, बट अब जो स्टूडेंट्स हैं फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस और सब कैंपसेस वो एग्जाम देंगे वाया सेफ एग्जाम ब्राउजर। तो सेफ एग्जाम ब्राउजर के लिए चाहिए आपको टू फाइल्स चाहिए, वो मैंने आप लोगों के लिए इस यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें पहला लिंक है, उसमें आप लोगों की मेन डेट शीट के लिए, डेट शीट आप लोगों की फाइनल होगी वो इस लिंक पे आपको अवेलेबल होगी। सेकेंड लिंक है सेफ एग्जाम ब्राउजर का, और इसके बाद एग्जाम फाइल। अब एफिलेटेड के बच्चों को एग्जाम देने के लिए टू फाइल्स रिक्वायर होंगी, वन ये मेन सेफ एग्जाम ब्राउजर एंड सेकेंड वन इज एग्जाम फाइल। तो फर्स्ट जब आप लोग क्लिक करेंगे इस डेट शीट के लिंक पे, तो आपके डेट शीट डाउनलोड, जैसे इस पर मैं क्लिक किया तो ये लिंक पे, तो ये जो है डेट शीट इसकी डाउनलोड हो जाएगी, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन होगी। इसी तरह से अब सेकेंड लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा इसका, सेफ एग्जाम ब्राउजर का। इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना, इसको मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, आपके इंटरनेट स्पीड कैसी है उसके अकॉर्डिंगली ये डाउनलोड हो जाएगा। तो एक आपको ये फाइल रिक्वायर होगी, ये फाइल जब डाउनलोड हो जाए तो आप लोगों ने जो सेकेंड फाइल है वो एग्जाम फाइल, इसको भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। तो ये टू फाइल्स मैंने डाउनलोड कर ली, फर्स्ट वन डाउनलोड हो रही है और सेकंड वन मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। जब ये दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाएं, तो आप लोगों ने इसके डाउनलोड्स में ये फाइल्स जाएंगे, यहाँ भी आप लोगों ने ये फाइल सेव की, वहां पे ये आ गई। अब वहां से आपने इस फाइल को इंस्टॉल कर लेना है, तो आप इसको ओपन कर लें तो ये स्टार्ट हो जाएगी इसकी इंस्टॉलेशन। ये यस कर दी, ये इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, ये अपना टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए 2 से 3 मिनट, और ये डिपेंड करेगा आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे। आप इसका लाइसेंस को एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट करें, इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है, ये कुछ ही टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। जी मैंने इंस्टॉलेशन इसकी फिनिश हो गई। अब सेकेंड वन जब ये इंस्टॉल हो जाए, तो ये जो एग्जाम फाइल मैंने आपको बताई थी, ये एग्जाम फाइल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जब आप लोगों का ये फाइल डाउनलोड हो जाए, तो आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। जब इस फाइल को आप लोग ओपन करेंगे तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू आर नॉट, और आप कहेंगे डू यू वॉन्ट टू क्विट एस ए बी आर फॉर नाउ आर नॉट। आप इसको नो कर देंगे, आप क्विट नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट आप इसको पुट करेंगे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना CINIC नंबर और पासवर्ड। अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे तो नेक्स्ट आपका जो है एग्जाम पोर्टल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ें सेम वही वाली आ जाएंगी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ वीडियो का, कि आपके पास MCQs आएंगे, उस MCQs में 60 मिनट होंगे और आपके पास 60 MCQs होंगे। आप इसमें फॉरवर्ड बैक जा सकते हैं, और जो मैथमेटिकल के सिंबल्स के बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आपको इस मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इस तरह आप लोग एग्ज़ाम दे सकेंगे, और डेट शीट मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है, और डेट शीट के अकॉर्डिंगली आपने जो आपका टाइम है उसे कम से कम 60 मिनट बिफोर आप लोगों ने इसको लॉग इन कर लेना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपना जो सब्जेक्ट है इसको इनरोल कर लें। तो आप एक कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, कि दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं कि नेट स्पीड आपके पास अच्छी होनी चाहिए, आपको दोबारा इसका चांस नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें रह गए तो आपको दोबारा सप्ली में या नेक्स्ट ईयर ये पेपर आप लोग देंगे। जब आप लोग लॉग इन हो जाएंगे अपने सेफ एग्जाम ब्राउजर के थ्रू, तो आपके पास आपको सब्जेक्ट, आप लोगों ने फर्स्ट सब्जेक्ट की एनरोलमेंट करवानी है, उसके बाद सब MCQs कैसे शो होंगे ये उसके लिए मैंने ये अपने चैनल पे सबसे पहले 2 वीडियोस डाली हुई है, इसमें एग्जाम गाइड के हवाले से इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपने जो मैथ क्वेश्चंस किस तरह से होंगे उसके हवाले से भी मैंने यहाँ पे जो इस वीडियो में
आप लोगों को गाइड किया, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो मंडे से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हैं, और डेटशीट में अगर कोई चेंजिंग हुई तो आप लोगों को कन्वे कर दी जाएगी वेबसाइट के थ्रू, या कॉलेज के प्रिंसिपल्स के थ्रू, या सब कैंपसेस के डायरेक्टर के थ्रू। तो आप लोगों ने इन टच रहना है इंटरनेट के, अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट के साथ, अपने डिपार्टमेंट्स के हेड्स, प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स के साथ, और जो तमाम जो लिंक्स हैं मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट जो है लिंक है फॉर डेट शीट है, सेकंड लिंक इज फॉर दी सेफ एग्जाम ब्राउजर, ये हैवी फाइल है अबाउट 65 MB की। उसके बाद जो एक और फाइल है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये सबसे लास्ट वाली, ये लिंक है, ये लास्ट, ये स्मॉल फाइल है, ये GCEF के एग्जाम के लिए है। ये हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी वेरी करती है, तो ये फाइल आप लोगों ने यूज कर लेनी है। अगर आपको प्रिंसिपल, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर की तरफ से फाइल, ये एग्जाम की फाइल मिले, तो आपने उसको यूज करना है। ये फाइल आपके कॉलेज टू कॉलेज या प्रिंसिपल टू उस वेरी कर सकती है। तो आप लोगों ने इस पे लॉगिन करके अपना यूजर नेम, जो पासवर्ड मिला है आपके कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से, उसको आप लोगों ने यूज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।